हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में जो पढ़ने वाले हैं वो है लीनियर मैप। लीनियर मैपिंग क्या होती है ये हम इस वीडियो में देखेंगे, और लीनियर मैपिंग के बाद हम देखेंगे लीनियर मैप ऑन वेक्टर स्पेस क्या होता है। तो लीनियर मैप ऑन वेक्टर स्पेस पे पहुँचने से पहले हम जो हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था, प्रीवियस वीडियो में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था वेक्टर स्पेस क्या होता है, सब स्पेस क्या होता है, उसके कुछ एग्जाम्पल्स हमने सॉल्व किए थे। तो यहाँ पे हम बेसिकली सब स्पेस को एक बार रिकॉल कर लेते हैं। अगर सपोज बी एक वेक्टर स्पेस है एंड डब्ल्यू जो है उसका एक सेट है, बी का एक सेट है, तब डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाएगा। तो हम डब्ल्यू को वेक्टर स्पेस कह सकते हैं अगर वो इन कंडीशंस को फॉलो कर रहा है। फर्स्ट कंडीशन द जीरो वेक्टर ऑफ, जो जीरो वेक्टर जो होता है ऑफ बी, अगर इसका द जीरो वेक्टर इन बी इज ऑल्सो इन डब्ल्यू एंड बेसिकली ऑफ है, या जो बी का जीरो वेक्टर जो है वो डब्ल्यू में होना चाहिए। सेकंड, हमारे पास फोर एनी वेक्टर यू वी एंड डब्ल्यू, द सम ऑफ यू प्लस बी, जो दो वेक्टर्स का सम जो होना चाहिए, डब्ल्यू के दो वेक्टर्स का सम जो होना चाहिए डब्ल्यू में ही होना चाहिए। और थर्ड है अगर एल्फा डॉट यू, एल्फा जहाँ पे कोई भी स्केलर नंबर है उसका मल्टीप्लाई कर दें, तो एल्फा यू वी हमारे पास डब्ल्यू में होना चाहिए। उसके बाद हमने कुछ बहुत सारे एग्जाम्पल्स लिए थे, और साथ में हमने ये एक एग्जाम्पल ये भी लिया था कि अगर एफ बी वन बी टू डॉट डॉट वी ए पी जो है कुछ वेक्टर्स हैं वी के, और उनका लीनियर कॉम्बिनेशन के जितनी भी फॉर्म बनती है, बेसिकली डब्ल्यू बराबर स्पेन ऑफ बी वन बी टू वी पी, यानी कि डब्ल्यू में ऐसे सेट, ऐसे वेक्टर्स का सेट है जो कि बी वन बी टू डॉट डॉट वी पी के लीनियर कॉम्बिनेशन की फॉर्म में लिखे जा सकते हैं। तो उस कंडीशन में जो बी जो है वो वेक्टर स्पेस, सॉरी डब्ल्यू जो है वो वेक्टर स्पेस कहलाता है वी का। ये भी हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था। अब इस वीडियो में देखने वाले हैं वो है लीनियर मैप्स ऑन वेक्टर स्पेस। तो पहले इसकी डेफिनेशन देखते हैं। लेट वी टू टी जो है वी से यू में एक लीनियर वेक्टर स्पेस भी है, मैपिंग ऑफ वेक्टर स्पेस है, देन टी इज कॉल्ड लीनियर मैपिंग। तो टी जो है वो लीनियर मैपिंग कहलाती है। इफ फॉर यू एंड वी इन वी इट होल्ड दैट टी यू प्लस वी बराबर टी यू प्लस टी वी, अगर ये कंडीशन होल्ड करे टी यू प्लस टी वी। और सेकेंड है फॉर एनी स्केलर एल्फा एंड यू इन वी इज होल्ड दैट कि टी ऑफ एल्फा यू बराबर, अगर एल्फा को बाहर निकालना और टी वी को सेटिस्फाई कर दें, तो हम उस कंडीशन में कहते हैं कि जो वेक्टर स्पेस है, जो मैपिंग है वो लीनियर मैपिंग है इन वेक्टर स्पेस पे, यानी वी जो है वो वेक्टर है और यू जो है वो भी वेक्टर है। तो इसलिए हम कहते हैं जो टी जो है वो लीनियर मैपिंग है ऑन वी वेक्टर स्पेस से डब्ल्यू वेक्टर, यू वेक्टर स्पेस पे। अब इसके हम एक एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे ये एग्जाम्पल है हमारे पास, लेट बी बराबर एम एन क्रॉस एन का एक मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का सेट है, बी द वेक्टर स्पेस ऑफ एन क्रॉस एन मैट्रिक्स एंड टी जो है एक हमारे पास मैपिंग है जो कि बी से बी में ही डिफाइन है। किस तरह से डिफाइन है कि टी ए बराबर जो है वो है हमारे पास ए एंड ए ट्रांसपोज, यानी ए अगर कोई मैट्रिक्स है तो उसका जो वो होना चाहिए हमारे पास, जो फाइनल रिजल्टेंट जो आएगा वो आएगा ए प्लस ए का जो ट्रांसपोज होगा उसकी फॉर्म में। अब हमें शो करना है कि टी जो है वो लीनियर मैपिंग है या नहीं। तो इसको चेक करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना है, लेट दो मैप, दो हमारे पास एलिमेंट ले लेने, तो ए बिलोंग्स टू वी एंड बी बिलोंग्स टू बी, ए बिलोंग्स टू बी एंड बी बिलोंग्स टू बी। अब हमें चेक करना है टी ए प्लस बी बराबर टी ए प्लस टी बी है या नहीं। तो बेसिकली अगर हम देखें टी ए प्लस बी की बात कर रहे हैं हम, तो ये हो जाएगा हमारे पास, यहाँ पे अगर हम बात करें टी ए प्लस बी, तो ये टी ए प्लस बी बराबर क्या आना चाहिए, ए प्लस बी एंड प्लस ए प्लस बी का ट्रांसपोज इसकी हेल्प से। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं हम ए प्लस बी प्लस ए ट्रांसपोज, बेसिकली ये बी ट्रांसपोज प्लस ए ट्रांसपोज होता है, बट मैट्रिक्स का एडिशन जो होता है वो कम्यूटेटिव होता है, और कम्यूटेटिव होता है, तो कम्यूटेटिव की हेल्प से यहाँ से हम क्या कर सकते हैं ए प्लस बी, और इससे हम इसको लिख सकते हैं हम पहले ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज, तो यहाँ से ये हो जाएगा ए, और चूंकि एसोसिएटिव भी होता है तो यहाँ से हम ये भी कर सकते हैं बी और ए को एक साथ लिख लें, बी प्लस ए ट्रांसपोज और प्लस
बी ट्रांसपोज। तो यहाँ से जो चूंकि एसोसिएट वो होता है, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ए प्लस ए ट्रांसपोज इक्वल टू बी प्लस सॉरी प्लस बी प्लस बी ट्रांसपोज, ये हो गया। अब अगर हम देखें तो टी ए क्या आएगा, टी ए जो आना चाहिए वो आना चाहिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो बेसिकली ये आ गया टी ए, और बी प्लस बी ट्रांसपोज जो है प्लस टी बी, तो टी ए प्लस टी ए सॉरी ए प्लस बी बराबर टी ए प्लस टी बी, ये कंडीशन होल्ड करेगी हमारे पास फर्स्ट कंडीशन। सेकंड हमारे पास किसी कॉन्स्टेंट का मल्टीप्लाई करने वाली कंडीशन, तो अगर उसको सॉल्व करें तो टी एल्फा ए बराबर क्या होना चाहिए, एल्फा ए का ट्रांसपोज, तो ये होना चाहिए हमारे पास एल्फा, क्योंकि एल जो कॉन्स्टेंट है वो तो सेम रहता है, और ए ये हो जाता है एल्फा ए ट्रांसपोज, ये हो गया हमारे पास बेसिकली एल्फा, ये तो बाहर है, और सॉरी यहाँ पे हमारे पास जो डिफाइन है वो मैंने डिफाइन ये नहीं है, और डिफाइन है हमारे पास टी एल्फा ए बराबर क्या आना चाहिए, एल्फा ए प्लस एल्फा ए का ट्रांसपोज, तो ये हो गया हमारे पास एल्फा ए प्लस एल्फा ए ट्रांसपोज। अब एल्फा को अगर कॉमन ले रहे हैं तो ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ये हो गया हमारे पास एल्फा टी ए, तो ये सेकंड कंडीशन को भी होल्ड कर रहा है। तो यहाँ से हम कह सकते हैं जो हमारे पास टी ए जो था वो हमारे पास एक लीनियर मैपिंग है फ्रॉम वी। अब फ्रेंड्स यहाँ पे हम नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, ये एग्जांपल है टी ए बराबर डे टी, यानी टी ए जो है वो इस तरह से डिफाइन है कि टी ए बराबर डे टी आता है। तो अब ये हमारे पास चेक करना है कि ये हमारे पास जो है वो लीनियर मैप है या नहीं। तो सपोज ए एंड बी दो हमने वेक्टर ए और बी दो हमने इसमें से वेक्टर ले लिए, जो भी बिलोंग्स टू बी है बिलोंग्स टू बी है, तो उस कंडीशन में हमारे पास ये क्या हो जाएगा, टी ए प्लस बी बराबर मोड ऑफ ए प्लस बी, मोड ऑफ ए प्लस बी। और हम ये इजीली जानते हैं, ये वेल नोन रिजल्ट है कि मोड ऑफ ए प्लस बी कभी भी इक्वलेंट नहीं होता, कभी नहीं मतलब मोस्ट ऑफ केस में इक्वलेंट नहीं होता। तो इसको भी एग्जाम्पल स्केल से भी ले सकते हैं, ए को ये रख लें बी को ये ले लिया इन्होंने, तो मोड ऑफ ए जो है वो बेसिकली क्या है टू, और मोड ऑफ बी जो है अब वो है -3, तो और डेट ए प्लस डेट बी जो दोनों का अगर सम करें तो ये आ गया -1, और अगर हम इन दोनों का सम निकाल लें तो सम निकालने पे ये आ जाएगा, और जब हम दोनों का डेट निकालें तो 4, तो 1 ≠ 4, तो ये हमारे पास एक लीनियर मैप नहीं है। अब नीचे का एग्जांपल भी हम सॉल्व कर सकते हैं, जैसे नीचे का एग्जांपल है हमारे पास ये एग्जांपल है फ्रेंड्स, मैं इसमें थोड़ा सा जल्दी जाऊंगा स्पीड में निकालूंगा। लेट बी बराबर ये है हमारे पास, और टी बी टू बी इस तरह से है कि एफ टी बराबर 2 ft प्लस एफ वन टी, तो फॉर एग्जाम्पल मतलब एग्जाम्पल भी दिया हुआ है कि अगर एफ टी ये है 3t² -t³ + 5, देन टी एफ टी जो है वो बेसिकली 2 ·ft और उसका डेरिवेटिव का सम, तो ये है हमारे पास। तो इस तरीके से सॉल्व करने के लिए हमने लेट एफ टी एंड जी टी ले लिया, तो टी एफ टी बराबर क्या हो गया 2, और ये एफ टी प्लस जी टी और डेरिवेटिव दोनों का, तो दोनों का डेरिवेटिव जो होता है बेसिकली अलग अलग डिवाइड हो जाता है, तो दोनों पे अलग अलग डिवाइड हो जाएगा, तो ये हो गया, तो ये कंडीशन फॉलो हो गई हमारे पास। और सेकंड कंडीशन है हमें एल्फा का मल्टीप्लाई करना होता है, तो बेसिकली अब यहाँ पे देखें एल्फा ये तो कांस्टेंट है, क्योंकि अगर और यहाँ पे भी कांस्टेंट है, अगर कांस्टेंट के ऊपर डेरिवेटिव आप निकालते हैं तो ये एफ डैश टी रहेगा, तो ये एल्फा को हम बाहर ले सकते हैं, एल्फा तो ये एल्फा को बाहर आएगा 2 ft प्लस एल्फा टी, तो एल्फा t·ft, तो टी एल्फा ए टी बराबर ये है। तो यहाँ इस कंडीशन में ये जो मैपिंग है वो भी हमारे पास एक लीनियर मैपिंग है। नेक्स्ट वीडियो में फ्रेंड्स हम इसी कुछ और इम्पोर्टेंट डेफिनेशंस एंड सॉल्व प्रॉब्लम पढ़ेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।